हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो क्लिप से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे आया हूँ। वेलकम टू हैदराबाद। मैं यहाँ पे दो दिन के लिए आया हूँ और मैं सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ के कुछ लोकल डिशेस भी ट्राई करेंगे। आप हैदराबादी बिरयानी के बारे में तो जानते ही हो, पर यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा सफ़र बेंगलोर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप इंडिया के कहीं से भी हैदराबाद आ सकते हो वाया फ्लाइट और ट्रेन। हैदराबाद पे लैंड करते ही मैं होटल पे चेक इन करने आ गया। होटल का नाम आवासा है। चलिए आपको अंदर का रूम दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बेड दिया हुआ है। रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे टी बनाने के लिए और गर्म पानी बनाने के लिए रखा हुआ है। कुछ वाटर बॉटल्स दिए हुए हैं। नीचे यहाँ पे एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, पानी ठंडा कर सकते हो आप। और ये कबर्ड है। कबर्ड के अंदर आयरन दिया हुआ है, आयरन करने के लिए एक आयरन टेबल दिया हुआ है। और नीचे कुछ एमिनिटीज़। आइए वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे कुछ टॉयलेट्रीज दिया हुआ है, पेस्ट ब्रश भी दिया हुआ था आप देख सकते हो। ये शावर है। आइए बाकी का रूम देखते हैं। एक एलईडी टीवी दिया हुआ है, सेंट्रलाइज एसी लगा है, आप कंट्रोल कर सकते हो रूम से। और बाहर का नज़ारा देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। ये सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा और ऊपर से नज़ारा देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली आई एम रेडी और ब्रेकफास्ट भी कर चुका हूँ मैं। पूल में जाने का मुझे बहुत शौक था, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं हो पाया है। फिर भी एक बार मैं आपको पूरा पूल और पूरा होटल का व्यू दिखा देता हूँ बाहर से। तो प्राइस कितना लगा मुझे यहाँ रहने के लिए? मुझे एक ऑफ़र में 7,000 रुपीज़ पर नाइट का मिल गया था। मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुका हूँ। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छा है और रूम सर्विस भी बहुत अच्छा है यहाँ का। इट्स अ 4.5 स्टार होटल। तो आपको पूल फैसिलिटीज़ भी मिलता है, जिसका टाइमिंग है 7 AM to 7 PM। जिम भी है, जो आपको मैं बाद में दिखा दूँगा। और आज मैं जाने वाला हूँ चारमीनार घूमने के लिए। तो हम हैदराबाद के ओल्ड सिटी में पहुँच चुके हैं। आप इस स्ट्रीट में देखिए कितने कलरफुल शॉप्स हैं। और सामने आप देख पा रहे हो फेमस चारमीनार। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं। हाय गाइस, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो चारमीनार। इसे कुतुब शाह फैमिली के पांचवें सुल्तान ने, जिनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब, उन्होंने बनाया था 1591 पे। इसे हैदराबाद के एकदम सेंटर पे बनाया गया था, जब वो अपना कैपिटल गोलकोंडा से हैदराबाद शिफ्ट कर रहे थे। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसा है। आप देख सकते हो शॉप्स अभी भी ओपन हो रहे हैं। मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ, पर जनरली आप यहाँ पे बैंगल्स, पर्ल्स, नेकलेस खरीद सकते हो, बहुत तरह के आइटम्स हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास लैपटॉप बैग है तो आपको लैपटॉप बैग डिपॉजिट करना पड़ेगा। पीछे एक शॉप है और लैपटॉप बैग के साथ आप चारमीनार के अंदर नहीं जा सकते। तो चलिए चारमीनार के ऊपर चढ़ के देखते हैं वहाँ से नज़ारा कैसा है, पूरा सिटी किस तरह दिखता है। आप नज़ारा देखिए, चारों तरफ आपको कई सारे मीनार दिखेंगे, इसलिए इसे मीनारों का शहर भी कहा जाता है। तो चार मीनार से कुछ ही दूर में ये फेमस बेकरी है, निमरा केक एंड बेकरी। यहाँ पे हैदराबाद का फेमस ईरानियन चाय और उस्मानिया बिस्किट्स मिलता है।
ये बेकरी के ओनर असलम भाई हैं। मैंने उनसे परमिशन लिया है बेकरी के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए, तो आइए देखते हैं। बिस्किट्स को इस तरह से रैक्स पे डाल के एक बड़े से ओवन में बेक किया जाता है। आइए अभी देखते हैं चाय कैसे बन रहा है। ये किचन है जहाँ पे चाय बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ का सबसे पॉपुलर बेकरी है निमरा, और यहाँ का ईरानी चाय बहुत ही बढ़िया था। मैं अभी अभी वहाँ से ईरानी चाय और कुछ गर्मा गर्म बिस्किट्स खा के आ रहा हूँ, और कमाल ही हो गया कि ओनर से मैं बात कर रहा था उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में। 30 साल से ये दुकान है, सेकेंड जनरेशन है अभी ओनर, बहुत ही बढ़िया था। उनसे बात करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, ह्यूमिलिटी क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, और क्या ही बताए। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एक पैसा भी नहीं लिया मुझसे, कॉम्प्लीमेंट्री में बिस्किट, चाय, ब्रेड और एक पूरे किचन का टूर भी दिया है, तो मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ ज़रूर आइएगा अगर हैदराबाद आ रहे हो, और अगर ओल्ड सिटी हैदराबाद आ रहे हो तो निमरा पे आना, और यहाँ का बिस्किट और ईरानी चाय खाना तो बनता ही है। इवनिंग को मैं होटल वापस जा रहा हूँ, और आप देख सकते हो हैदराबाद का हाईटेक सिटी कैसा है। तो डिनर के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मंडी एट द रेट 3B। यहाँ पे हैदराबाद का वन ऑफ द बेस्ट मंडी मिलता है, और मैंने लिया है मटन जूसी मार्ग मंडी। मैं कोलिग्स के साथ आया था तो हमने फुल प्लेट मंडी ही लिया। एक प्लेट मंडी दो लोगों के लिए सफिशियंट है। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था मंडी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।